हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू और पत्ता प्याज की सब्जी। ये देखिए, इस टाइप की सब्जी बनेंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए हम लोगों को, आलू, थोड़े टमाटर और पत्ता प्याज। ये मैंने पहले ही कट करके रखा था और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें तेल डाला है। तेल आपको जितना चाहिए, आप लोग जिस हिसाब से तेल खाते उस हिसाब से कम भी कर सकते हो। हमारा थोड़ा ज़्यादा चलता है तो थोड़ा ज़्यादा। एक चम्मच जीरा डाला है मैंने और हींग। हींग आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना डालना है आप डाल दीजिए। हाफ स्पून भी डाल सकते हैं और उससे कम भी डाल सकते हैं। फिर आलू, आलू फ्राई करने के लिए डाल दिया है मैंने। देखिए, आलू डाल दिया है। नेक्स्ट हम लोग इसको आलू को अच्छे से हिला देंगे और इसमें मैंने सारे मसाला डाल दिया है। एक स्पून नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से हिला लीजिए और हिलाने के बाद आप गैस को सिम कर दीजिए और 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए अच्छे से। ये मैंने ढक दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन हटा लीजिए। इसमें पत्ता प्याज डाल दीजिए और टमाटर भी डाल दीजिए एक साथ। टमाटर डाल दिया मैंने, अच्छे से हिला लिया, इसे बढ़िया से हिला लिया। उसके बाद वापस से इसको सिम करके ढक दीजिए फिर से 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से सीझ जाए। ये देखिए, 5 से 7 मिनट बाद कितना अच्छा कलर आ रहा है, सारी ऑयल मतलब अच्छे से बाहर निकल रहा है। इसमें हम डालेंगे दही। 1 कप दही डाल दीजिए और 1 कप दही डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से हिला लीजिए। गैस को अब अच्छे हाई फ्लेम कर दीजिए और हाई फ्लेम करने के बाद 1 से 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट तक भी रख सकते हैं, सीजने दीजिए। अब ये देखिए, मेरी सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, इतना टेस्टी दिख रहा है। ये बन गई मेरी सब्जी। ये सब्जी रेडी हो चुका है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक सब्जी का। इसमें धनिया स्प्रेड कर दीजिए। मैं धनिया थोड़ी ज़्यादा खाती हूँ तो फिर मैंने बहुत सारा डाला है, तो आप अपने हिसाब से डालिए। ये हमारी सब्जी का लुक कितना यम्मी लग रहा है ना। मैं सब्जी तो मेरी बन गई है। अब मैंने इसको अच्छे से सर्व किया है, सब्जी, रोटी और भुजिया और रायता के साथ। हमने तो बहुत टेस्ट ले लेके खाया है। आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।